हैं वो सब आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। देखने वाला होगा तो देख लेगा गड़बड़ है, भले ही ये कितना हंसे मुस्कुराए बातें करे, अंदर मामला गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ आ गया चेहरे पर? क्योंकि कहां चल रहा था? अंदर गड़बड़। जब हमको ये पता लग जाए कि इस कर्म का ये फल मिल रहा है तो उस फल को क्या बोलेंगे? दृष्ट फल। तो आपको सबको अनुभव होगा और अच्छा भी तो करते हैं तो उसका भी अनुभव तुरंत क्या हो जाता है? ओहो, मैंने ये अच्छा कर्म किया तो मुझे ये अच्छा फल प्राप्त हो गया। तो इस फल को क्या बोलेंगे? दृष्ट फल। अच्छा, अब अदृष्ट फल, फल की प्राप्ति हो रही है लेकिन मुझको ये नहीं पता कि ये कौन सा कर्म है। वाह, आखिर किस कर्म का ये फल प्राप्त हो रहा है? वह पर्टिकुलर स्पेशल वो जो कर्म है वो हमको समझ में, लेकिन एक बात तो है, फल प्राप्त हो रहा है तो बेटा किया तो है तुमने, ये तो पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति, एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी था, तो वो कोशिश कर रहा था पतले होने की, है ना? तो गुरु से वो कहता था कि महाराज देखो मैं कुछ भी नहीं खाता हूं फिर भी मैं मोटा हो रहा हूं। तो उसके गुरु ने बोला, दिवा न भूंगतो रात्रि भूंगतो। क्या बोला? दिवा न भूंगतो रात्रि भूंगते। तुम दिन में नहीं भोजन करते हो जब कोई नहीं रहता, ये नहीं हो सकता कि तुम मोटे हो रहे हो और भोजन, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो अब ये तो न्याय है। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं, अगर इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट तो ये कोई कैसे कह सकता है? हवा घुस गई कि अंदर? या तो मैं ऐसा भोजन कर रहा हूं जो मेरे लिए अनुकूल, भले ही कम खाते, लेकिन अब जैसे कोई ऐसी बादी चीज खा ले जैसे बैंगन मान लीजिए, और उसके बाद बोले हमको गैस बन रही है, हमने तो इतना ही खाया था यही काफी है इसके लिए यही काफी है, इतना बनता है ना। ये नहीं हो सकता कि फल आ रहा है और तुमने कर्म, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि मैंने कौन सा कर्म। जब व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सा कर्म किया, तो अब अपने फल की जिम्मेदारी वो किस पर सौंपता है, ये प्रश्न। हाँ? भगवान की तो सिद्धि नहीं हुई, ये भी आए कहां? सिद्धि नहीं हो तो आप देखो ना, देश में बोले हम अमीर हो गए या हम गरीब हो गए तो किसके कारण? इस नीति के कारण। अब आज मिलो ना, ये भारत देश की नीति ऐसी हो गई जिसके कारण बिजनेस क्या हो गए? ठप हो गए। अच्छा, अभी बहुत अच्छा चल रहा है तो हमने किस पे ठोका? ये नीति बहुत अच्छी है इस देश की, इसके कारण। अच्छा, प्रश्न है उसी नीति में एक व्यक्ति, उसी नीति में जिसको कि सो कॉल्ड आप क्या कह रहे हैं खराब है, उसी नीति में एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बढ़े चला जा रहा है। और उसी नीति में एक व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं तो नीति के कारण नहीं बन पा रहा हूं। अब बोलो, यदि नीति के कारण है तो नीति का प्रभाव सब पर पड़ना
तो ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी ने तो कभी इसका और मार्वलस उदाहरण दिया, बोले सो कॉल्ड रॉयल फैमिलीज, अभी तो नहीं रह गई, तो रॉयल फैमिलीज में जो बड़ा पुत्र होता था उसको सब अधिकार दिया जाता था, जमीन के जायदाद का सब उसी का ही ज्यादा होता था, छोटे वाले को तो रहते नहीं था बहुत ज्यादा। अब सब फेवर किसका हुआ? बड़े वाले। अब उन्नति किसकी हो रही है? छोटे वाले की। मेहनत कौन कर रहा है? अब वो जो भी किया उसने, छोटा वाला बोम पर चला गया। और नीति समर्थन किसका कर रही है? ऐसा भी तो देखने को मिलता है ना आपको, क्या कारण है इसका? खैर, तो जैसे बोले ऐसी व्यक्ति तपाक से एक बात बोलता है, प्रारब्ध है ही बोलता है ना व्यक्ति, प्रारब्ध है। जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम सीधा ही कनेक्शन किससे जोड़ते हैं? अब किसी पे तो स्टिकर लगाना ही है, तो सीधा स्टिकर किस पे लगा दिया? प्रारब्ध। सोचो आप, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपके सामने और रखूंगा धीरे धीरे। अब वह जो नीति बनी, वह नीति क्यों बनी? समष्टि में जो नीति बन रही है वह नीति ऐसी क्यों बनी? कभी सोचना, सिर्फ ऐसा कोरा कोरा मत सोचना, सब एकदम विद लॉजिक सोचना है आपको। जो समष्टि अभिमानी पुरुष होता है उसके अंदर भगवान समष्टि की नीतियों को क्या करते हैं? लेकर आते हैं। एक इतनी पंक्ति आप सुनिए, समष्टि अभिमानी पुरुष के अंदर समष्टि की नीतियां जन्म लेती हैं। जैसे कि देश में देश का सबसे बड़ा अभिमानी पुरुष, देशाभिमानी प्रधानमंत्री है, तो रात दिन वो किसके लिए सोच रहा है? तो उसके अंदर नीतियां किसकी आ रही? घर की नहीं, आपके। उसके अंदर रात दिन नीति किसकी चलती है? देश की। अच्छा प्रश्न है, उसी के अंदर क्यों डाली, हमारे अंदर क्यों नहीं डाली? हमारे अंदर क्यों नहीं डाली? क्योंकि हम समष्टि अभिमानी, छोटे अंश में और समझा दें, आश्रम के बारे में वही सोच सकता है जो आश्रम अभिमानी हो गए। जिसकी देखो, जिसके मन में यह वृत्ति होगी, स्वागत है उसका भी, जिसके मन में यह वृत्ति हो गई, मैं तो आया पढ़ के यहां से गया, अब उसके मन में आश्रम की प्रति जो जरूरतें हैं या जो भी चीजें, वो जन्म लेंगी क्या? लेकिन उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति है जिसका आश्रम से तादात्म्य है, उसके अंदर फिर आश्रम में क्या आवश्यकता है, वो उसके अंदर क्या लेगा? अच्छा जन्म लेगा तो शक्ति भी किसके अंदर ज्यादा आएगी? उसके अंदर। फिर संसाधन भी किसके पास आएंगे? उसके पास। ये शक्ति, संसाधन, बुद्धि, ये क्यों उसके पास ज्यादा आ गई? क्योंकि वह आश्रम अभिमानी पुरुष था। पकड़ में आता है? हमारा अभिमान सिर्फ घर से है। अच्छा उनमें से भी किसी किसी का अभिमान हमारे हमारे कमरे से है, हमारे कमरे से। भैया
हमारे कमरे में लाइट होनी चाहिए, हमारे कमरे में सब होना चाहिए, दूसरा भट्टे भाड़ में जाए। उनको वो लड़के का है या ये बहू का है या ये इसका है, ये हमसे क्या मतलब इससे, हमसे क्या मतलब इससे। बहुत सुंदर। अब आपके मन में कितनी शक्ति संसाधन जन्म लेंगे, जैसी आपकी भगवान शक्ति भी तो वैसे ही देता है ना, फिर वो कंप्लेन करता है इनके पास इतना ज्यादा है, हमारे पास तो है ही नहीं। अरे तुमने सोचा कितना है, इधर सूत्र देखना, ये जैसे कि इस देश का अभिमानी ब्रह्मा जी हैं और देश का अभिमानी प्रधानमंत्री है, वैसे ही ब्रह्मांड का अभिमानी ब्रह्मा है। बड़ा कर दो, ब्रह्मांड के प्रति जो चिंतित है वो व्यक्ति कौन, उसी का नाम ब्रह्मा है। उस ब्रह्मांड में क्या होएगा, उस नीतियां क्या बनेंगी, वो किसके मन में आएंगी, ब्रह्मा जी के मन में आई थी कि नहीं आई थी, कैसे होगी सृष्टि, पकड़ में आता है ये सब चीजें। हमको छोटा और बड़ा बनाने वाली चीज क्या है, हमारा तादात्म्य कितना है, हमारा तादात्म्य कितना है। जैसा तादात्म्य आपको दावा कर दें, उस व्यक्ति को शक्ति संसाधन उतना ही मिलता है जितना वो क्या करता है, सोचता है। करके देखो आप, अब इस पे और भी चर्चा करेंगे आपसे। ये अच्छा हिंदी तो पढ़ी दे, दृष्टा क्या है, क्रिया ही द्विविधा, दृष्टा फलाचा अदृष्ट फलाचा। अच्छा अच्छा, दृष्ट फला अपि द्विविधा, पहले कितनी हो गई, दृष्ट और अदृष्ट, अब दृष्ट फला अपि द्विविधा, अनंतर फला और आगमी आगामी फला। सरल भाष्य है, दृष्ट फल में भी दो चीजें हैं, अनंतर फला और आगामी फला, और एक कौन सा है, अनंतर फला। मिल गया, अनंतर फला का जो उदाहरण दिया, गति भुज लक्षणा, कालांतर फला में क्या दिया उदाहरण, कृषि सेवादि लक्षणा। मिल गया, सरलतम भाष्य दिख रहा है, इस पे चर्चा और करेंगे। ओम, अच्छा क्या है आज 16वां, ओम श्री परमात्मने नमः।